ओके फ्रेंड्स, तो अब वर्टिब्रेट्स के हमने फीचर्स पढ़ लिए हैं, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे, दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, टू सब डिविजन्स हैं। एक है एग्नेथोस्टोमेटा और एक है गनैथोस्टोमेटा। अब ये जो डिवीजन है किस बेसिस पे किया गया है? गनैथ के बेसिस पे। गनैथोस क्या होता है? गनैथोस मीन्स होता है जॉ, ठीक है? तो जॉ के बेसिस पे, जिनमें जॉ होता है और जिनमें नहीं होता, इस बेसिस पे दो डिवीजन किए गए हैं। फर्स्ट है ए गनैथोस्टोमेटा, ठीक है? ए मतलब कि नो, गनैथोस मतलब कि जॉ, स्टोमेटा स्टो मतलब स्टोमा मतलब कि माउथ, है एटा मतलब कि ग्रुप। तो ऐसा ग्रुप जिसका कि माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय द जॉ इज कॉल्ड द ए गनैथोस्टोमेटा। द सेकेंड इज गनैथोस्टोमेटा विच आर हैविंग जॉ इन देयर माउथ, ठीक है? तो इन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ जॉ एंड जॉलेस, दे आर टू ग्रुप, ए गनैथोस्टोमेटा एंड द गनैथोस्टोमेटा। फर्स्ट ग्रुप इज ए गनैथोस्टोमेटा, ठीक है? तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय जॉज, ठीक है? तो ये पहला फीचर हो गया कि माउथ में जॉ नहीं होता, ठीक है? दूसरा फीचर है कि एक्सोस्केलेटन और पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते, ठीक है? ठीक है, कि हमने जो वर्टिब्रेट्स में पढ़ा था कि भाई पेयर अपेंडेजेस होते हैं मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में, बट ये जो फर्स्ट डिवीजन है एग्नेथोस्टोमेटा, इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते, साथ ही एक्सोस्केलेटन भी नहीं होता, स्किन इज विदाउट द स्केल्स एंड इज स्मूथ, ठीक है? थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ रहती है और वर्टिब्रल कॉलम नहीं बना रही है इसमें, तो नोटोकॉर्ड ही रहती है और वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, तो नोटोकॉर्ड पसेस थ्रू आउट द लाइफ। एंड ईयर हैज, ईयर का भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें, ईयर हैज वन और टू सेमी सर्क्यूलर कैनाल, ठीक है? अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे जब आप ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स होती हैं और ह्यूमन बॉडी में वो 3 in number होती हैं, ठीक है? तो जब आप गनैथोस्टोमेटा देखेंगे तो उसका फीचर ये है कि उनमें जो सेमी सर्क्यूलर कैनाल होती है वो 3 in number होती है, बट एक गनैथोस्टोमेटा में जो सेमी सर्क्यूलर कैनाल होती है वो या तो 1 या 2 in number ओनली होती है। तो दीज आर द 4 features ऑफ ए गनैथोस्टोमेटा, जो कि जॉ लेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, दे आर जॉ लेस वर्टिब्रेट्स, ठीक है? इसका वन क्लास है, इसकी ओनली वन क्लास इट हैज एंड दैट इज कॉल्ड द साइक्लोस्टोमेटा। साइकल, साइक्लो से मतलब है राउंड और स्टोमो से मतलब है माउथ। तो ऐसे जीव जिनका कि माउथ सर्क्यूलर होता है, राउंड होता है, दैट इज कॉल्ड द साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है? तो साइक्लोस्टोमेटा के फीचर्स हम पढ़ेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा? जो कि क्लास है किसकी? ए गनैथोस्टोमेटा की। तो साइक्लोस्टोमेटा से नाम से सबसे पहले, दे आर हैविंग सर्क्यूलर माउथ विच इज जॉलेस, ठीक है? सर्क्यूलर माउथ होता है जो कि जॉलेस होता है, ठीक है? साथ ही इसका एक फीचर है कि दे आर हैविंग सक्टोरियल फनल विच हैज हॉर्नी शीथ एंड हॉर्नी टूथ। ये जो हॉर्नी शीथ होती है, इट हैज हॉर्नी टूथ और साथ ही जो बकल कैविटी होती है, इट इज ऑल्सो हैविंग एंड टंग हैज टूथ,
टूथेड होती है या हॉर्नी होती है, ठीक है। तो ये जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास है एग्नेथोस्टोमेटा की, सर्क्यूलर जॉलेस माउथ होता है जो कि सक्टोरियल फनल होती है उसमें माउथ में, और ये फनल सक्टोरियल से मतलब है सक करने वाली, ठीक है। तो सक्टोरियल फनल होती है जिसमें हॉर्नी शीथ होती है, इसमें जो कवरिंग होती है वो हॉर्नी होती है, ठीक है। और ये हॉर्नी टूथेड होती है और उस पर टूथ होते हैं, और बकल कैविटी में भी टूथ होते हैं और उसकी टंग भी टूथेड होती है, ठीक है। दूसरा वन डॉर्सल नेजल एपर्चर Which does not open into the pharynx. ठीक है, usually जो cyclostomata होते हैं उनमें एक ही dorsal nasal aperture होता है, और इसका एक example जो हम देखेंगे, ठीक है, phytosoma, और उसका जो दूसरा नाम है हमारा sea lamprey. पेट्रोमाइजॉन, ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल हम देखेंगे पेट्रोमाइजॉन, उसमें जो नेजल सेक होता है डजंट ओपन इनटू द फेरिंग्स, जबकि इसका एक और एग्जाम्पल है हैग फिश, और उसमें जो है नेजल सेक से जो नेजल एपर्चर जो होता है वो इट ओपन इनटू द फेरिंग्स, ठीक है। बट यूजुअली साइक्लोस्टोमेटा में जो नेजल सेक होता है डज नॉट ओपन इनटू द फेरिंग्स, ठीक, ओके। रेस्पिरेशन के लिए 5 to 7 गिल्स होते हैं और वो मेजिप्रोब्रेकियल गिल्स कहलाते हैं, मेजिप्रोब्रेकियल गिल्स, वाई, बिकॉज दे आर इनटू द दे आर इनसाइड इनटू द बॉडी एंड इनटू द पाउचेस, पाउच में रहते हैं गिल्स, इंटरनल होते हैं और पाउच में रहते हैं, और एक्सटर्नली वो ब्रेक जो है गिल्स एपर्चर से ओपन होते हैं और जो है 5 to 7 इन नंबर होते हैं, ठीक है। मेजिपोब्रेकियल गिल्स इन्हें कहा जाता है, वाई, बिकॉज दे आर इनटू द पाउचेस, ठीक। तो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं जो कि पाउचेस में रहते हैं, इनसाइड रहते हैं, और दे आर ओपन आउटसाइड लेटरली इनटू द 5 to 7 एपर्चर्स, ठीक है। हार्ट जो होता है 2 chambers होता है इनमें हार्ट, आरबीसीज जो होती है इनकी सर्क्यूलर होती है, ठीक है, ओके। Any other features? Okay, ठीक है, okay. तो externally जो है no scales on the body and slimy skin होती है इनकी, slimy skin दिखती है, दे आर यूजुअली सैंगवीवोरस और पैरासाइट होते हैं दूसरे एनिमल्स के बॉडी पर, दे आर यूजुअली पैरासाइटिक, ठीक है, एंड सैंगवीवोरस, ओके, ठीक, ठीक है। सो एंडोस्केलेटन जो होता है इनका कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, इज प्रेजेंट, ठीक है, और जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है इट इंक्लूड्स अमोसिट्स लावा विच अंडरगोज अ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा।
चूंकि सिंगल नॉस्ट्रिल इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इसलिए इसे मोनोराइनस भी कहा जाता है, ठीक है, दे आर कॉल्ड मोनो राइनस, ठीक है, राइन से मतलब होता है नोज, तो मोनो मतलब सिंगल, राइनस मतलब नोज, तो दे आर मोनोराइनस बिकॉज दे आर ओनली वन सिंगल नेजल सेकिस प्रेजेंट, ठीक, साथ ही लेटरल सेंस ऑर्गेन्स जो है इनमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लेटरल सेंस ऑर्गेन आर प्रेजेंट एंड वन सिंगल पीनियल आई भी इनमें प्रेजेंट रहती है, ठीक है, तो दिस आर द एग्जाम्पल, दिस आर द फीचर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का एक एग्जाम्पल हम देख रहे वाले हैं पेट्रोमाइजॉन, जो कि लैम्प्रे भी जिसे कहा जाता है। ओके, तो लैम्प्रे या पेट्रोमाइजॉन का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि एक एग्नेथोस्टोमेटा है और साथ ही एक साइक्लोस्टोमेटा भी है, ठीक है, तो लैम्प्रे की जो बॉडी होती है वो ई लाइक होती है, लाइक दिस, ठीक है, मीडियम फिन इसमें पाए जाते हैं, प्रकार से ठीक है, यहां पे ये माउथ होता है जो कि टूथेड होता है। यदि इस प्रकार यहां पे माउथ देखा जाए एंटीरियरली, यदि हम इसका माउथ देखें तो इस प्रकार टूथेड टूथेड हमें दिखेगा, टूथ रहते हैं, हॉर्नी शीथ होती है, हमने देखा इसकी साइक्लोस्टोमेटा पे, और इस प्रकार जो है माउथ एंटीरियरली हमें दिखता है या ओरल साइड जो है इस प्रकार दिखता है, ठीक है, दिस इज ओरल कैविटी या माउथ, ठीक है, ये जो है ये है नेजल सैक, आप देख सकते हैं ईल लाइक बॉडी है इसकी, ये फर्स्ट डॉर्सल फिन है इसका, आप देख सकते हैं इसके जो फिन होते हैं वो मीडियन होते हैं ओनली, नॉट वेंट्रल, सेकेंड डॉर्सल फिन, दिस इज कॉडल फिन, ठीक है, दीज आर इक्वल एंड इट इज कॉल्ड प्रोटो सर्कल, ठीक है, फिन, प्रोटो सर्कल टेल इसे कहते हैं, प्रोटो सर्कल टेल मतलब होता है कि जो वेंट्रल और डॉर्सल साइड के जो फिन है दे आर इक्वल इन टू द मास, दे आर इक्वल इन टू द साइज, ठीक है, दीज आर गिल्स ओपनिंग या गिल्स एपर्चर हैं जो कि आउटसाइड खुलते हैं, 7 इन नंबर होते हैं पेट्रोमाइजॉन में, ठीक है, ओके, एंड हियर देयर इज अ कॉपुलेटरी पैपिला, ठीक है, तो इस प्रकार ठीक है, और दिस इज अ टेल, ठीक, तो ये पेट्रोमाइजॉन या लैम्प्रे का जो डायग्राम है वो हमने बनाया है। अब इसके पेट्रोमाइजॉन के हम जनरल फीचर्स देखेंगे, तो यदि हैबिटेट हम देखते हैं पेट्रोमाइजॉन का तो यूजुअली ये मराइन होते हैं, ठीक है, दे आर मराइन, बट ठीक है, इनकी एक खास बात है, इनकी एक हैबिट है और वो हैबिट ये है कि ये दे माइग्रेट, दे आर यूजुअली मराइन बट एट द ब्रीडिंग टाइम जो मेल और फीमेल होते हैं, द बोथ सेक्सेस के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे असेंड टू द रिवर, ठीक है, तो ब्रीडिंग के लिए दे गोज टू द रिवर, दैट इज कॉल्ड एनाड्रोमस
माइग्रेशन, ठीक है, एनाड्रोमस माइग्रेशन जो है वो शो करते हैं. व्हाट इज दिस? बोथ सेक्सेस असेंड टू द रिवर फॉर ब्रीडिंग एंड दैट इज कॉल्ड एनाड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है. और जो लार्वा होता है, जो इसका लार्वा होता है, इट इज अमोसिएट लार्वा, अमोसिटिस लार्वा, और इसकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो सी में ही होती है. मॉर्फोसिस टेक्स प्लेस इन सी ओनली, ठीक है. ये ओविपेरस होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी इनमें देखने को मिलता है, डायमॉर्फिज्म होता है. एक्सटर्नल यदि हम इनके फीचर्स देखें, एक्सटर्नल फीचर्स तो हम देख सकते हैं ओरल कैविटी में हॉर्नी टूथ्स होते हैं, हॉर्नी टीथ होते हैं, ठीक है. मीडियल फिन होते हैं, थ्री नंबर होते हैं, वन डॉर्सल, टू डॉर्सल मीडियल फिन, ठीक है, और वन कॉडल फिन, ठीक है. और एक्सोस्केलेटन नहीं होता. सो बॉडी इज स्लाइमी ईल लाइक बॉडी होती है, ठीक है. दे आर हैविंग ईल लाइक बॉडी विच डजंट हैव स्केल्स, स्केल्स नहीं होते, ठीक है. सेवन गिल्स ओपनिंग होती है, गिल्स एपर्चर सेवन इन नंबर्स इनमें होते हैं, ठीक है. और प्रोटोसर्कल होती है, जो टेल होती है इट इज प्रोटोसर्कल. ऑलरेडी बताया मैंने आपको प्रोटोसर्कल मतलब क्या होता है, ठीक है. तो इस प्रकार जो हमारा लैम्प्रे होता है या पेट्रोमाइजॉन होता है वो हमने देखा, ये पैरासाइटिक होता है, ये सैंगवीवोरस होता है, और यूजुअली ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जो दूसरी फिशेस रहते हैं उसकी बॉडी पे पैरासाइटिक रहता है और उसके ब्लड पे ही अपना खुद फीड करता है, ठीक. ओके, आई थिंक ठीक है. तो इसके हैबिट्स में हम लिख देते हैं, दे आर सैंगवीवोरस, ठीक. सो दीज आर द साइक्लोस्टोमेटा, जिसमें हमने देखा सर्क्यूलर माउथ, सेक्टोरियल फनल, हैविंग हॉर्नी टीथ एंड वन डॉर्सल नेजल सैक विच इज कॉल्ड द, सो दे आर कॉल्ड द मोनोराइनस. अपर्चर्स विच doesn't open into the pharynx, respiration के लिए 5 to 7 gills, 7 ही numbers होता है petromyzon में, ठीक है. heart 2 chambers है, scales नहीं होते, sanguivorous होते हैं, endoskeleton नहीं होता, endoskeleton is form of cartilage and reproduction के लिए they are unisexual, sexual dimorphism is present, internal fertilization occurs. लैम्प्रे के फीचर्स हमने क्या देखे कि हैबिटेट जो है इसका यूजुअली मराइन हैबिटेट होता है, बट दे आर एनाड्रोमस माइग्रेशन, दे शो द एनाड्रोमस माइग्रेशन. वॉट इज दैट? दैट एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग बोथ द सेक्सेस एसेंड टू द रिवर एंड दे प्रोड्यूस अमोसीटिस लार्वा विच अंडरगोज मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फोसिस विच टेक्स प्लेस इन टू द सी ओनली, ठीक है. दे आर ओवीपेरस, ठीक है. दे शो द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दे आर सैंगवीवोरस, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज देयर, ठीक है. दे लुक डिफरेंट. सो हाउ दे लुक डिफरेंट? द मेल हैज द कॉपुलेटरी पैपिला विच हेल्प इन टू द कॉपुलेशन, ठीक है. सो ओके, एक्सटर्नल फीचर्स में दे आर ई लाइक बॉडी, ओरल कैविटी इज हैविंग हॉर्नी टीथ, ठीक है. दीज आर हॉर्नी टीथ, यू कैन सी. ठीक है, ओके. देन दे आर हैविंग थ्री फिन्स एंड जिसमें से डॉर्सल फिन्स जो होते हैं मीडियन साइड पे होते हैं, फर्स्ट डॉर्सल फिन, सेकेंड डॉर्सल फिन एंड वन इज द कॉडल फिन, ठीक है. देन ओके, दे आर मेल्स आर हैविंग कॉपुलेटरी पैपिला, दे आर हैविंग सिंगल नेजल सेट एंड इट इज द आई, दिस इज आई, एंड दे आर हैविंग सेवन
gills aperture, seven pairs of gill aperture on lateral side. ठीक, तो इस प्रकार जो साइक्लोस्टोमेटा है उसका एक एग्जाम्पल है लैप्रे या पेट्रोमाइजॉन. हैग फिश जो होती है दैट इज ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा. हैग फिश में जो है दे आर ऑल्सो मोनोराइनस, बट जो उनका नेजल सेक का जो कैविटी, नेजल सेक की जो कैविटी होती है दैट ओपन इन टू द फेरिंग्स. ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हैग फिश का. हैग फिश को बोरर भी कहा जाता है. बोरर क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो फिशेस होती हैं उनकी बॉडी में बोर करती हैं. ठीक है, और बोर करके और उनके सॉफ्ट पार्ट को ये खा जाती हैं. ठीक है, तो द हैग फिश और कॉल हैग फिशेस और कॉल बोरर. ठीक, ओके. ठीक है, और इनमें जो डिफरेंट रहता है वो ये कि इनमें दे आर हैविंग नो बकल, नो सेक्टोरियल फनल, फनल नहीं होती. बट इनमें क्या होता है कि जो ओरल कैविटी होती है उसमें ओरल टेंटिकल्स होते हैं. दे आर हैविंग ओरल टेंटिकल्स और सेक्टोरियल फनल इनमें नहीं होती. साथ ही जो हैग फिश है उनमें अमोसीटिस लार्वा नहीं होता. ठीक है, तो बाकी जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. हैग फिश को भी जो है स्लाइम ईल कहा जाता है और हैग फिश जो है उनको मिक्जीम भी कहा जाता है, मिक्जाइम और मिक्जीम. और ये हैग फिश जो है ये इनमें सेक्टोरियल फनल नहीं होती. दे आर मोर और लेस सिमिलर टू दिस लैम्प्रे और पेट्रोमाइजॉन, बट देर सम फीचर्स विच आर मिसिंग, लाइक दे आर हैविंग नो सेक्टोरियल फनल, दे आर हैविंग नो अमोसिटिस लार्वा, दे आर हैविंग ओरल टेंटिकल इन प्लेस ऑफ सेक्टोरियल फनल एंड दे आर कॉल्ड द बोरर. और इनकी जो नेजल कैविटी, नेजल सैक होता है ओपन इन टू द फेरिंग्स. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स विच हैग फिश आर डिफरेंट फ्रॉम द लैम्प्रे. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एग नेथोस्टोमेटा, जिसमें कि हमने देखे वन ही क्लास है, ओनली वन क्लास इज देयर कॉल्ड द साइक्लोस्टोमेटा, जिनका कि माउथ सर्क्यूलर होता है और इसलिए उन्हें साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है, जिसके एग्जाम्पल में हमने लैम्प्रे देखा, उसके डिफरेंट फीचर्स देखे, साथ ही हमने हैग फिश भी देखा जो कि जिसे मैगजीन कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा, बट कुछ फीचर्स जो है उसके लैम्प्रे से डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा एग्नेथोस्टोमेटा, अब हम देखेंगे ग्नाथोस्टोमेटा. ओके फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ा एग्नेथोस्टोमेटा इनटू द वर्टिब्रेट्स. ठीक है, दो डिवीजन है एग्नेथो और ग्नेथो. तो अब हमारी बारी है ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में पढ़ने की. तो ग्नेथोस्टोमेटा से टर्म से आप समझ ही गए होंगे कि माउथ या ओरल कैविटी इज बाउंडेड बाय द जॉस. ठीक है, जॉस के द्वारा बाउंड होती है, ये एक फीचर है. दूसरा फीचर है कि वन पेयर ऑफ नेजल एपर्चर, नेजल एपर्चर जो होते हैं वो टू इन नंबर होते हैं. ठीक है, और दे ओपन इन टू द फेरिंग्स, नेजल सेक्स, नेजल कैविटी जो है दे आर ओपन इन टू द फेरिंग्स. ठीक है, तीसरा जो सेमी सर्क्यूलर कैनाल होती है वो थ्री इन नंबर होती है. ठीक है, दूसरा जो एपेंडेजेस होते हैं, टू पेयर ऑफ एपेंडेजेस इनकी बॉडी में मिलते हैं. ठीक है, टू पेयर ऑफ एपेंडेजेस. ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो मैंने नहीं बताया कि जो नोटोकॉर्ड है इट इज फॉर्म, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. जबकि जो हमारे एग्नेथोस्टोमेटा थे उसमें नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड ही बनी रहती है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाती. ठीक है, तो ग्नेथोस्टोमेटा मेन है कि माउथ इज बाउंडेड बाय जॉ, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, जॉ रहता है इनमें, नेजल एपर्चर वन पेयर और सेमी सर्कुलर केनाल जो कि ईयर में होती है
दे आर थ्री इन नंबर. थ्री इन नंबर होती है सेमी सर्क्यूलर केनाल और एपेंडेजेस आर टू पेयर ऑफ एपेंडेजेस. अब ये जो गनेथोस्टोमेटा होते हैं इनकी जो है दो डिवीजन है, ठीक है, दे आर डिवाइडेड इनटू कौन कौन से, एक तो है पाइसिस और एक है हमारे टेट्रापोड्स, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड द सुपर क्लास. ये ग्नेथॉन्स भी इन्हें कहा जाता है, ग्नेथोस्टोमेटा को ग्नेथॉन्स कहा जाता है और इनके टू सुपर क्लासेस है, एक है पाइसिस और एक है टेट्रापोड्स. पाइसिस जो सुपर क्लास है उसमें वो जीव पाए जाते हैं जो कि प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं और रेस्पिरेशन ब्रैंकियल होता है, मतलब कि गिल्स के द्वारा होता है. ठीक है, और एपेंडेजेस के नाम पर टू पेयर ऑफ फिन्स होते हैं. ठीक है, जिनके द्वारा वो स्विमिंग करते हैं. ठीक है, तो पाइसेस के इस सुपर क्लास के क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक, पानी में रहते हैं प्राइमरीली, रेस्पिरेशन ब्रैंकियल होता है जो कि गिल्स के द्वारा होता है, इसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, और एपेंडेजेस के नाम पर टू पेयर्स ऑफ फिन्स रहते हैं. जबकि टेट्रापोड्स जो रहते हैं दे आर प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल. ठीक है, टेट्रा मतलब कि फोर और पोडा मतलब कि पैर, तो टेट्रापेडा में वो जीव आते हैं जिनके कि चार पैर होते हैं, चतुष्पादी हिंदी में कहते हैं, तो फोर लिम्स जिनके होते हैं दे आर कॉल्ड अ टेट्रापोडा. ठीक है, दे आर प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल और सेकेंडरीली एक्वेटिक, बट प्राइमरीली वो टेरेस्ट्रियल होते हैं. रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है मेनली, बट सम ऑर्गेनिज्म दे रिटेन द गिल्स इन द टेट्रापोडा. ठीक है, जैसे कि जो फ्रॉग है उसमें गिल्स भी होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, लंग्स भी होते हैं और उसकी स्किन से भी जो है रेस्पिरेशन किया जा सकता है. तो जो है कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे रिटेन द गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, तीसरा, दे आर हैविंग टू पेयर ऑफ लिम्ब फॉर लोकोमोशन. ठीक है, हो गया. तो ये जो तीन फीचर है ये दोनों को डिस्टिंग्विश करते हैं कि व्हाई दे आर कॉल्ड पाइसिस, व्हाई दे आर इन द पाइसिस ग्रुप, पाइसिस सुपर क्लास, एंड व्हाई दे आर इन द टेट्रापोडा. अब जो पाइसिस है इसकी दो सब क्लासेस हैं. ठीक है, और जो टेट्रापोडा है इनकी फोर सब क्लासेस हैं. ठीक है, तो जो पाइसिस है उसकी फर्स्ट सब क्लास है कॉन्ड्रिथाइसिस, कॉन्ड्रिथाइसिस और ऑस्टिकथाइसिस. कॉन्ड्री मतलब कि कार्टिलेजिनस से मतलब है, तो कॉन्ड्रिथाइसिस में वो फिशेस आएंगी जिनका कि एंडोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, और ऑस्टिक से मतलब है बोन, तो ऑस्टिकथाइसिस में वो फिशेस आएंगी जिनका एंडोस्केलेटन इज फॉर्म ऑफ बोन्स. ठीक है, टेट्रापोडा बोनी फिशेस या कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहा जाता है. टेट्रापोडा में चार क्लास हैं, एप्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस. ठीक है, सो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ जो नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे पाइसिस, ठीक है, एव्स जिसमें कि बर्ड्स आती हैं, एवियंस, एव्स मतलब जो कि जो है एयर में रहते हैं, तो एव्स में बर्ड्स आती हैं. ठीक है, रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब कि सरीसृप या रेंगने वाले जंतु, तो इसमें स्नेक्स आते हैं. ठीक है, मैमल्स, मैमल्स में वो जीव आते हैं जो कि जो जिनके फीमेल जेंडर्स होते हैं, दे आर हैविंग द ब्रेस्ट, सो दे आर कॉल्ड द मैमल्स, जिसमें कि ह्यूमन आते हैं. ठीक है,
एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो होते हैं उभयचर जिन्हें हिंदी में कहा जाता है कि लैंड में और वाटर दोनों में ही रह सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड द एम्फीबियंस, जैसे कि फ्रॉग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम देखेंगे कि पाइसेस की कॉन्ड्रैक्ट थैसिस और ऑस्टिक थैसिस के क्या फीचर्स होते हैं।